हाँ हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से व्यू के साथ। तो ऐसा कुछ है, आज मौसम का हाल, धूप भी आई हुई है और आसमान में भी पूरे बादल लगे हुए हैं। बाकी हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी की मेरी ड्यूटी है। यहाँ पे धूप में लगा रखे हैं गेहूं और यहाँ पे लगा रखे हैं जौ, इन दोनों को देखना है। और वहाँ पे प्याज भी है, प्याज की तो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। गेहूं और जौ को चिड़िया खा दे रहे हैं, गौरैया और बहुत सारी चिड़िया आ रही है छोटी छोटी, वो खा दे रहे हैं। बाकी आज दिन का प्लान है खाने में चटनी बनाने का, तो उसके लिए चाहिए पुदीना जो है प्रधान लोगों के वहाँ। तो मैं जा रहा हूँ प्रधान लोगों के वहाँ पुदीना लेने के लिए। फिर आज दिन में पुदीना की चटनी बनाएंगे और उसमें भांग भी डालेंगे। जो जो चीज़ होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और दादा कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आज थोड़ा सा गर्म वाला माहौल भी हो रहा है, तो नहाने भी हम लोग जा सकते हैं नदी। बाकी फ़िलहाल मैंने यही देखना है, और जैसे ही नेहा अपने काम से फ्री हो जाते हैं या मम्मी खेत से आ जाएंगे तो उसके बाद मैं ये इनके ऊपर छोड़ दूंगा और मैं नहाने के लिए चले जाऊंगा। जो भी होगा आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। तो सूरज और मैं जा रहे हैं अभी प्रधान लोगों के यहाँ पुदीना लेने के लिए। तो थोड़ा बहुत पुदीना इनके पास है, थोड़ा बहुत यहाँ से ले जाते हैं, थोड़ा बहुत दूसरी जगह से, क्योंकि हमारे वहाँ अभी ये हुआ नहीं है। जहाँ पर था वहाँ पर है नहीं, मतलब। ओके जी, तो फिलहाल मैंने इतना पुदीना ले लिया है, थोड़ा खिला लोगों के यहाँ से और थोड़ा प्रधान जी लोगों के यहाँ से। तो अब जा रहे हैं सूरज और मैं घर को और बनाते हैं पुदीना की चटनी। मैं चला घर को और जेज की दो बकरी और जेज और फुंतरी आ रहे हैं दुकान से। और बकरियों को भी जेज ने ऐसा बजर बना रखा है ना, अपने पीछे पीछे ही लेके जाते हैं जहाँ जाते हैं। ये देखिए, तित 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 ला 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 आ ला ला। और ये फुंतरी भी जा रही है बड़ा कट्टा लेके। फुंतरी भारी नहीं हो रहा? हो रहा है, रख देना यहीं पे, मैं ले जा दूंगा अभी। रख दे, फिर रख दे, कह रहा हूँ। ओ, आप दाम का लगा है। घर में पहुंचते ही यहाँ पे मम्मी का चल रहा है लकड़ी इकट्ठा करने का काम। घास कितना घास काट के लाई हूँ जा तो। कहाँ है घास? कहाँ है घास? उधर। किधर? उधर। इतना ही तो है, ये थोड़ा बहुत तो घास लाए हो, इतना तो मैं एक ही बार में ला देता हूँ। तो मम्मी भी आ गए हैं खेत से, और खेत से थोड़ा बहुत घास लेके आए हैं और अभी कर रहे हैं लकड़ियाँ इकट्ठा। और मैं नेहा को कहता हूँ कि आज चटनी बना दो, मेरी नहीं पुदीने की। तो आज खाने में बनी है दिन में भटकी दाल, और ये भूटा जा रहा है भांग, क्योंकि पुदीने की चटनी बनानी है तो उसमें हम भांग भी डालने वाले हैं। और पुदीना कहाँ गया? और पुदीना ये हमने ऐसा बना दिया है, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा बहुत ये भांग। थोड़ा सा इसको भूनना पड़ता है, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे, फिर बन जाएगी एक बढ़िया सी चटनी। फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा काम है वो कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ओके जी, तो जब तक खाना पीना बनता है हम लोग तब तक नहा के आ जाएंगे। और सभी भाई लोग आ गए हैं नहाने के लिए, दादा देबू और प्रधान। तो हम लोग जा रहे हैं नदी। तो हम तो जा ही रहे थे नहाने, इतने में पापा ने भी प्लान बना लिया है कि पापा कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ नहाने नदी, तो पापा भी आ रहे हैं। तो एक तो हम लेके जा रहे हैं दादा की गाड़ी, दूसरी जाएगी स्कूटी। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के और सीधे मिलते हैं नदी में। ओके जी, तो हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन में और वहाँ पर हमने अपनी गाड़ियाँ रख दी हैं और अब जा रहे हैं पैदल। बाकी आज हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन में, वहाँ पर है तालाब। यहाँ भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं नहाने के लिए, देखते हैं क्या सीन होता है। तो पापा ने दादा और प्रधान को लगा दिया है दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो वो लोग वहाँ चले गए हैं और हम लोग जा रहे हैं सीधे नदी में ही। और यहाँ को धूप ज़्यादा तेज़ लग रही है क्योंकि घाटी वाला इलाका है ना तभी। तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा शायद मेरे पुराने ब्लॉग में कि यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहे थे। बाकी यहीं से रास्ता है नीचे नदी जाने का, और यहाँ पे गाय सोए हुए हैं इतनी ज़्यादा धूप में। ओके जी, तो आज की लोकेशन है हमारी यहाँ पर। तो पापा चले गए हैं वहाँ नहाने के लिए। बहुत गए लोग।
तो पापा भी आज पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ओके जी, तो इंतज़ार बहुत हो गया, अब हम भी नहा लेते हैं। बाकी दादा और पापा पूरा एंजॉय कर रहे हैं तालाब में। चल भाई पदान, तू भी चल। देबू चल। जी तो इस गर्मी से भरपूर मौसम में पूरा इंजॉय कर रहे हैं नदी का, ठंडे ठंडे पानी का, और साथ में काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये देखिए फुल मस्ती चल रही है। देवा, प्रधान, दादा, पापा और छोटे छोटे बच्चे लोग, और उस साइड को फैमिली वाले भी आए हैं कोई लोग, तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है। बाकी भाई साहब नहाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करते हैं और मैं एंजॉय करता हूँ स्विमिंग। इधर को दरअसल में जो हमारे साथ देबू आया है ना, तो उसको तैरना नहीं आता है, तो मैंने दादा को बोला है कि उसको यहाँ को ले गया, उसको एक बार डराएंगे, देन उसके बाद तैरना सिखाएंगे। तो वो कोशिश कर रहा है उसको इधर को लाने की। आई और भी इधर से आ, ऊपर से। ला 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 मिल गला। ला यार मर गला बेटा। चलो बाय करो। ओके जी, तो जैसे ही हम नहा के ऊपर को आए ना, वैसे ही वहाँ पे नहाने के लिए भैंस भी आ गए थे, जो कि आप लोग देख चुके हैं। बाकी हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए, और अब भूख भी काफ़ी लग गई है। ओके जी, तो घर आते ही भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो खाना पीना खा लिया है, और अब थोड़े बहुत कपड़े धोने हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को शाम के समय। बाकी अभी का मौसम ऐसा कुछ हो रहा है, ये देखिए। तो अभी हो रहा है शाम का समय और मौसम देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा टाइप का। और अब चलते हैं दादा के घर की ओर, देखते हैं आज कितना काम हुआ है। तो यहाँ चल रहा है पुट्टी का घिसाई का काम, है ना। कपड़े, मुंह, बाल सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं। और क्या हाल है? बढ़िया हाल है। आपके क्या हाल है? आपके हाल मुझे बेहाल लग रहे हैं। हमारे हाल तो बेहाल ही है। बेहाल ही है, बस क्या सुनाए, बस हम आपका काम देखने आ गए थे। चिकना कर दिया, एकदम चिकना कर दिया है ना। ओके जी, तो फिलहाल का सीन ऐसा कुछ है, मैं और दादा आ गए हैं नीचे, और अब जाते हैं हमेशा की तरह गोलू और रैम्बो को घुमाने के लिए। और यहाँ पर हमेशा की तरह भाई और भतीज लोगों का चल रहा है वॉलीबॉल का गेम। बहुत नाइंसाफी, यहाँ तीन वहाँ चार, ऐसा क्यों भाई? ओहो, फिर भी ये तीन इन चारों पर भारी है। आगे से चल रहे हैं दादा गोलू को पकड़ के, और यहाँ मैंने पकड़ा हुआ है रैम्बो। ये देखिए, ये इतना जोर लगा देता है। बाकी ये पहाड़ गांव की ठंडी ठंडी हवा भाई साहब खरीदने से भी ना मिले, तो बहुत ही आनंद आता है इस ठंडी ठंडी हवा में शाम के समय घूमने में।
तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।